गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पवन भाटिया है। हम आज के इस वीडियो में जो बेसिक टॉपिक है वो रहेगा कि यूके में जाने का स्टूडेंट्स के लिए क्या बेसिक एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स यूके में पढ़ने का होता है स्टूडेंट्स के लिए जो अपना स्टूडेंट वीज़ा करते हैं प्लान फ्रॉम इंडिया। यस फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यूके में पढ़ने के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या यूएसपीज़ हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। यूके का मेजर फोकस क्या है रहता है कि वहाँ पे प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें जो पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है और जो यूके एजुकेशन है उसकी वैल्यू ग्लोबली होती है। वर्ल्ड की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ यूके में बेस्ड हैं, एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रूज, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। यूके यूनिवर्सिटीज़ का मेजर एडवांटेज है कि वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनकी टेक्निकल डेवलपमेंट में और टू बिल्ड देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स को कैंपस में हेल्प मिलता है टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू ग्रुप मीटिंग्स एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ को जो स्टाफ है उनको ऑफर करते हैं केस स्टडीज ताकि यूके के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ओन नॉलेज बिल्ड कर पाएँ थ्रू दीज केस स्टडीज एंड ग्रुप मीटिंग्स। यूके एजुकेशन की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। यूके एजुकेशन वर्ल्ड में सेकेंड बेस्ट काउंट होता है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आप जो उनका कोर्स करिकुलम है उसको आप एनालाइज करें या जो टीचिंग स्टाफ है यूके में वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ही अधिक उनको नॉलेज है रिसर्च का उनके पर्टिकुलर डोमेन में। इससे फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को क्योंकि जो नॉलेज स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करते हैं वो नॉलेज एक बहुत कोर इम्पॉर्टेंट नॉलेज होती है ताकि जो भी उनका डोमेन है, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उनमें जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बिल्ड कर पाएँ। तो यही एडवांटेजेस स्टूडेंट्स को यूके में पढ़ने का मिलता है उनके लेक्चरर्स से, टीचिंग स्टाफ से, क्योंकि उनको काफ़ी अवेयरनेस है, उनके पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज में वर्क करने का। यूके एजुकेशन की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। स्टूडेंट्स जो यूके कोर्स कम्प्लीट करते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू वर्क इन यूके, टू वर्क इन यूरोप, क्योंकि देखिए अगर आपने यूके में कोर्स फिनिश किया, वहाँ पे कुछ टाइम के आपने जॉब एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद आपको मूव होना है तो उस डिग्री की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। आप चाहें तो जॉब अप्लाई कीजिए कनाडा में, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ एशिया में और यूरोप में। तो यूके एजुकेशन की वैल्यू पूरे वर्ल्ड में है। यूके डिग्रीज बहुत ही रेनाउंड हैं पूरे वर्ल्ड में। यूके यूनिवर्सिटीज़ का बहुत स्ट्रांग रहता है कोर्स फ्रेमवर्क, करिकुलम और स्ट्रक्चर। और एक मेजर एडवांटेज यूके में पढ़ने का है, अगर आपका कोर्स का लेवल मास्टर्स कोर्स है तो आपको एडवांटेज क्या रहेगा, आपने कोर्स फिनिश करेंगे आप वन ईयर में। यस पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आपका कोर्स ड्यूरेशन इज़ वन ईयर। जो प्रोग्राम्स आप टू ईयर्स में करते हैं बाकी कंट्रीज में वो आप फिनिश करेंगे वन ईयर में यूके में यूनिवर्सिटीज़ में। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होगा कि आपका जो ट्यूशन फी कॉस्ट है वो कम होगा कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ के प्रोग्राम से। सेकेंडली, जो आपने टाइम पीरियड कंज्यूम किया अपने प्रोग्राम को फिनिश करने में, इट इज़ ओनली वन ईयर। यस वन ईयर। इसका एडवांटेज है कि यू कैन स्टार्ट वर्किंग। आप जो अपना करियर प्लान कर रहे हैं, आपको जो अपना करियर आपने बिल्डअप करना है किसी फॉरेन कंट्री में या इंडिया में, यू कैन स्टार्ट आफ्टर वन ईयर ओनली, जो एक बहुत फ़ायदेमंद रहता है स्टूडेंट्स के लिए, यंग एस्पिरेंट्स के लिए जिनको अपना करियर बिल्डअप करना है आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। यूके में कई एडवांटेजेस हैं स्टूडेंट्स के पास। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क अलाउड है, 20 आवर्स के लिए स्टूडेंट को पार्ट टाइम वर्क गवर्नमेंट अलाउ करती है ड्यूरिंग दी एकेडमिक सेशन, और जब भी स्टूडेंट का कैंपस क्लोज रहे ड्यूरिंग दी एकेडमिक ब्रेक्स एंड हॉलीडेज, स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट अलाउ करती है टू वर्क 40 आवर्स पार्ट टाइम पर वीक टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द यूके एम्प्लॉयर्स, यूके कंपनीज, यू नो, आइदर ऑफ कैंपस ऑल्सो ऑन कैंपस। यूके में एडवांटेज ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करना है फॉर ग्रेजुएशन, यस, जिन स्टूडेंट ने क्लास 12 फिनिश किया है इंडिया में और वो प्लान कर रहे हैं ग्रेजुएशन डिग्री के लिए यूके में, उनके पास एडवांटेज है। उनका प्रोग्राम जो मेजरली होता है वो 3 ईयर्स का होता है इन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, चाहे आपका कोर्स का स्ट्रक्चर बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है। तो आपका प्रोग्राम 3 ईयर्स का होगा, यू विल नॉट स्पेंड
दी फोर ईयर ट्यूशन फी कॉस्ट जनरली जो आते हैं बच्चे पढ़ते हैं यूएस और कनाडा में वो अपना प्रोग्राम फोर से करते हैं इन कंट्रीज में, बट यूके में उनके लिए एक एडवांटेज है, उनकी जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है फॉर ग्रेजुएशन डिग्री इट इज़ ओनली 3 years. इन प्रोग्राम्स में कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट ऑफर करती हैं 1 year का वर्क प्लेसमेंट. अगर कोई भी स्टूडेंट 1 year का वर्क प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करता है उस कंसर्न में प्रोग्राम होता है 4 years का. यस, 3 years इज योर स्टडी पीरियड, 3 years के लिए आपको पढ़ना होता है और 1 year का आपको ब्रेक मिलता है टू गेन प्रैक्टिकल वर्किंग एक्सपीरियंस थ्रू 1 year ऑफ वर्क प्लेसमेंट. तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, एडवांटेज है कि आप 1 year का ब्रेक ले रहे हैं, आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं यूके में, जो हेल्प करता है आपको आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज में, जॉब एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी कंट्री में वर्ल्ड में. तो ये सब फायदे यूके में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आई थिंक फेमस हैं, रिनाउंड हैं. यूके एजुकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में. कोई भी स्टूडेंट इंडिया में या उनके पेरेंट्स अगर प्लान कर रहे हैं अपने चिल्ड्रन के लिए फ्यूचर, उनको अप्लाई करना है किसी यूके यूनिवर्सिटी के लिए और वो करंटली अनइन्फॉर्म्ड हैं, कन्फ्यूज हैं, उनको डाउट्स हैं कि किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस कोर्स के लिए, कब उनको अप्लाई करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या गाइडेंस रिक्वायर्ड है वीज़ा फाइलिंग के लिए, तो आपको मेरा ये एडवाइस है कि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉल कीजिए और जो हमारे एक्सपीरियंस एडवाइजर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं यूके के, उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि आपके सभी डाउट्स क्वेरीज को हम रिजॉल्व कर पाएँ और जो आपके यंग चिल्ड्रन हैं, जो यंग स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, उनका जो ये ड्रीम गोल है यूके पढ़ने का उसको हम पूरा कर पाएँ. थैंक यू एवरीवन. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.